तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की, हमारा पर्यावरण के नाम से जो आपकी बुक्स है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग दो चैप्टर इसके खत्म कर चुके हैं। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। ठीक है, बार बार आप लोगों से वही दोहराता आया हूँ कि इसे एक कहानी की तरह आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि आप लोग बिल्कुल फ्रेश माइंड से एक दो बार पढ़ेंगे इसे और आप से आपके जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हमें थोड़ी कोई ज्ञाता इसका वो करना है कि रटना है पूरी, हमें पूरी कॉन्सेप्ट बढ़िया क्लियर करना है और निकल जाना है, बस एक दो बार पढ़ना है बस। ठीक है, स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। जो आपका स्थल मंडल है ये आपका अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम लोग स्थल मंडलीय प्लेटें कहते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जैसा कि क्रियाकलाप में दिखाया गया। इसमें देखिए, एक रंगीन कागज की एक छोटी सी गोली लीजिए, इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। बीकर को तिपाई पर रखकर गर्म करें। जल गर्म होने पर आप देखेंगे कि गर्म जल की परतों के साथ कागज की गोली भी ऊपर उठती है और ठंडे पानी की परतों के साथ यह गोली नीचे बैठती है। पृथ्वी के अंदर स्थित पिघला हुआ मैग्मा भी इसी प्रकार गति करता है। ठीक है, बात करते हैं आगे प्लेट की इस गति के कारण। जो प्लेटों में ये गति होती है, इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनका कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनके कारण ये आपकी जो गतियाँ होती हैं उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें हम लोग अंतर्जनित बल, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें हम लोग बहिर्जनक जनिक बल कहते हैं, एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति, भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। ये पृथ्वी की गतियां हैं। अंतर्जनित बल, इसमें आकस्मिक बल, पटल विरूपण बल, फिर इसके आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, पटल विरूपण बल में पर्वत निर्माणकारी बल, बहिर्जनित बल, अपरदन और निक्षेपण, नदी, बहता जल, पवन, समुद्री तरंगें, हिमनद, जो बाहर घटनाएं घटित होती हैं। स्थल मंडलीय प्लेट भूपर्पटी में अनेक बड़ी एवं कुछ छोटी कठोर असमान आकार की प्लेट होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतहें टिकी हुई हैं। ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ का अचानक निकलता है बाहर। ठीक, ये आपका एक ज्वालामुखी हो गया, इसे हम लोग मैग्मा कोष्ट कहते हैं। ठीक है, ये आपका मेंटल हो गई पृथ्वी की परतें या पर्पटी, और जो आपका ये फैला हुआ है इसे लावा कहते हैं। फिर यहाँ निकास हो गया, निकास बैंड, ये बह रहा पाइप, एक क्रेटर हो गया है यहाँ इसके मुंह पर, और जो बाहर निकल रही है इसे हम लोग गैस या राख कहते हैं। ठीक है, शब्द की उत्पत्ति कुछ एंडो अंता एक्सो बाह्य, प्लस जेनिक उत्पत्ति, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होती है, या कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं हम लोग। भू पर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहलाता है। भू पर्पटी के नीचे वह स्थान जहाँ से हमारा ये कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है।
अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है एवं अधिकेंद्र की दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो जहां अधिकेंद्र होता है वहां सबसे ज्यादा हानि होती है। उद्गम स्थल केंद्र, वह स्थान जहां भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। लेट सीमा हो गई है, ये आपकी अधिकेंद्र हो गया, ठीक है, सबसे पास का स्थान। भूकंपीय तरंगें सभी दिशाओं में बाहर की ओर निकलती हैं, ये आपकी। एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर लें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। अब कुछ मटर चम्मच और मोती ढक्कन के ऊपर रख दें, आप क्या देखेंगे? जैसे ही जल में उबाल आता है, ढक्कन भी हिलने लगता है। जो वस्तुएं आपने ढक्कन के ऊपर रखी हैं, उनमें कंपन होने लगता है। दाने नीचे जाते हैं और चम्मच के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इसी भांति जब भूकंप आते हैं तो पृथ्वी में कंपन होने लगता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग। यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, गुजरात में भूकंप द्वारा विनाश। भूकंप एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भोज में भूकंप के झटके, 26 जनवरी 2001 को भोज शहर में रिएक्टर स्केल पर 6.9 की तीव्रता वाली भीषण भूकंप आया था। स्कूल प्रभावित सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। स्कूल की इमारतें गिरने से कम 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत की आशंका है। भोज से निराशजनक राहत, भूकंप के 3 दिन बाद भी हर व्यक्ति भोजन, कंबल, दवाएं आदि ना पहुंचने के कारण हालत यहाँ चिंताजनक थी। भुज की तबाही, फोन लाइनें, जलपाई लाइनें, विद्युत स्टेशन एवं संचार लाइनें सभी अवरोधित हो गए। शहर में आग, चारकोल एवं अगीठियों से की पलटने के कारण अनेक स्थानों पर आग लगी। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में आपातकालीन की घोषणा की गई। राष्ट्रपति ने आपातकालीन स्थिति की घोषणा की। मुख्यमंत्री ही केंद्र से अपील, गुजरात सरकार ने संकट का सामना करने के लिए केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी। तो ये था आपका पूरा भूकंप की एक वस्तु स्थिति अध्ययन। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है, जिसे हम लोग भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम होती है, उसका प्रभाव नहीं के बराबर होता है। जिस भूकंप की तीव्रता 5.0 होती है, वो वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंचा सकता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6.0 अथवा उससे अधिक होती है, वह बहुत शक्तिशाली, और जिसकी तीव्रता 7.0 अथवा अधिक होती है, वह सर्वाधिक शक्तिशाली समझा जाता है। भूकंप से, यह आपका भूकंप लेखी। भूकंप से बचाव की तैयारी। भूकंप के दौरान कहाँ आश्रय लें? सुरक्षित स्थान, रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, इनसे दूर रहें। आग वाले स्थान, चिमनी के आसपास, टूट सकने वाली खिड़कियों, दर्पण एवं तस्वीर फ्रेम से पहले से तैयार रहें। अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थल आकृतियां, अपक्षय एवं अपर्दन नामक दो विक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के इस विक्रम पृथ्वी के धरापल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं।
विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजल जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात उत्तरी अमेरिका के में कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा जलप्रपात और अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। इस तरह होते हैं आपके ऊपर से जो पानी गिरता है उसे ही हम लोग एक साधारण परिभाषा में जल प्रपात कह लेते हैं। यह आपका नियाग्रा जलप्रपात। नदी के कार्य क्या है? नदी के कार्य नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाली स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो उसे हम लोग जलप्रपात कहते हैं। कठोर शैल जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल, यह आपका जलप्रपात। इन्हीं शब्दों को परिभाषित करने के लिए पूरी कहानी गढ़ी गई है कि अब यहां देखिए जलप्रपात की परिभाषा कितने सरल शब्दों में दी गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को फिसर्व कहते हैं। ये आपकी इसे क्या कह लेते हैं? विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे हम लोग चाप झील कहते हैं। क्या कहते हैं? इस तरह चाप झील कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़ कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। यहाँ ये तटबंध समुद्र तक पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है जिनको हम लोग वितरिका कहा जाता है। यह नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। किसका? डेल्टा का निर्माण होता है। समुद्री तरंगों के कारण या आपका तटीय मेहराव हो गया या आपका स्टैक समुद्री गुफा। समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगें लगातार शैलों से टकराती रहती हैं जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं। इनको समुद्री गुफा कह लेते हैं। क्या कहते हैं? समुद्री गुफा। इन गुफाओं की बड़े होते जाने पर इसमें केवल छत ही बचती है जिसे हम लोग तटीय मेहराव राग बनते हैं। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती हैं। दीवारें जैसी इन आकृतियों को हम लोग स्टैक कहते हैं। इस तरह समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। समुद्री तरंगे किनारे पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं हिमनद के कारण। किसके? हिमनद के कारण। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करता है। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे छोटे
छोटे बड़े शैल रेत तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड़ का निर्माण करते हैं। ये है आपके हिमनद। अब बात करते हैं पवन के कार्य। क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिप्पे के कुछ चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी सेल के आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, इसको हम लोग बालू टिप्पा कहते हैं। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जाती है सकती है, तब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में विक्षेपित निक्षेपित हो जाते हैं, इसे लोयस कहते हैं। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। लोयस का मैदान हो गया, ठीक है। तो ये था आपका तीसरा चैप्टर, हमारी बदलती पृथ्वी। ठीक है, आपकी ये पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, देखते रहिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं इन्हें लगा लेना अभ्यास के लिए दिए गए। अच्छे से पढ़िए, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। ठीक है, हम लोगों को इतना थोड़ी डीपली के वो कुछ रटना है, कुछ कॉन्सेप्ट है उन्हीं को क्लियर करना है, समझ में आ जाए, जिससे आप लोग बड़ी कक्षाएं पढ़ते हैं तो उन्हें समझ में आ जाए, बस इतना ही तो करना है। तो चलिए हम लोग अध्याय 4 में हम लोग पढ़ेंगे वायु के बारे में, वायु के बारे में। ठीक है।